नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इंडियन मीडिया का जो है टूथपेस्ट कंपनी से। इंडियन मीडिया की जो स्थिति है और इंडियन मीडिया का जो रोल काल है वो एक टूथपेस्ट बनाने और बेचने वाली कंपनी के माफिक हो गया है। जी हां, क्यों तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। देखिए, पुराने समय में जब हम छोटे थे तब टूथपेस्ट कंपनियों के विज्ञापन आते थे, ऐड आते थे, उसमें ये कहा जाता था और लिखा होता था कि टूथपेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और नमक से और नीम से जो है ब्रश करना मूर्खता होती है। नमक से और नीम से जो है ब्रश करने वाले लोग जो है वो आदिम जाति के होते हैं या मूर्ख होते हैं या पुरानी सभ्यता के होते हैं, और ये जो है नमक से और नीम से टूथब्रश करना और मंजन करना जो है मूर्खता है और वह दांतों के लिए अच्छा भी नहीं है, आपके मसूड़ों के लिए भी अच्छा नहीं है। नमक से जो है घिसने से दांत जो है आपके मसूड़े छिल जाते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जब साइंटिस्टों ने ये चीज़ साबित कर दी कि दांत घिसने के लिए और साफ करने के लिए सबसे बेस्ट नमक ही है, नीम ही है, और नमक और नीम से ही जो है दांत सही साफ होते हैं और वो जो है एकदम जो है बिना हार्म पहुंचाए, बिना हार्म किए जो है वो सही दांत जो है साफ करते हैं और दांतों पे कीड़े और दांत खराब होने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती, आजीवन आपके दांत सही रहेंगे। और जब ये बात प्रूफ हो गई और विज्ञापन करने वाली और टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनियां गलत साबित हो गईं, तब उन लोगों ने विज्ञापन देना चालू कर दिया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है, नीम वाला टूथपेस्ट, नमक वाला टूथपेस्ट। और नमक तो आजकल टूथपेस्ट में होना कंपलसरी है। टूथपेस्ट में आने वाली कंपनी विज्ञापन देती है कि जिस टूथपेस्ट में नमक नहीं है वो बेकार है और हमारे टूथपेस्ट में नमक है तो वो अच्छा है। और नीम वाला टूथपेस्ट भी जो है अलग से आता है, थोड़े से पैसे बढ़ा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि नीम ये नेचुरल है, इससे दांत साफ होंगे और इसमें नमक भी है, नमक और नीम का जो है मिश्रण है और ब्ला ब्ला ब्ला, और ये बेस्ट टूथपेस्ट है। तो आपने देख लिया दोगलापन दोगलापंती इन टूथपेस्ट वाली कंपनियों की। वैसे ही इंडियन मीडिया हो गया। इंडियन मीडिया पहले सोशल मीडिया को जो है गाली देता था, सोशल मीडिया को बोलता था कि ये वाहियात है, ये फर्जी है, ये फेक है, सोशल मीडिया बकवास है, सोशल मीडिया में बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पहले ऐसे जो है मीडिया की न्यूज़ आती थी कि सोशल मीडिया में बच्चों का जो है रिजल्ट बिगड़ रहा है, सोशल मीडिया में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट हो रहा है, सोशल मीडिया से आदमी क्या सीखेगा, सोशल मीडिया नौकरी नहीं देता, सोशल मीडिया बिजनेस नहीं देता, ऐसी बातें हुआ करती थी मीडिया में। लेकिन अब समय ने ऐसी करवट ली और जो है समय का चक्र ऐसा चेंज हुआ कि मीडिया अब खुद सोशल मीडिया पे आ गया है। जी हाँ, मीडिया अब खुद सोशल मीडिया से चलने लगा है और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसने मीडिया की नींदें बर्बाद कर दी हैं और मीडिया का बिजनेस तबाह कर दिया है। और अब मीडिया जो है वो खबरें सोशल मीडिया से लेता है और सोशल मीडिया पर ही खबरें बताता है, और इनके टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में भी ये बोला जाता है लास्ट में एंकर द्वारा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। यहाँ तक कि हर मीडिया चैनल ने अपने अपने एक नहीं 10-10 यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, फलना तक, ढिमका तक, और ये और वो और क्राइम और एमपी और हरियाणा और यूपी और हिमाचल और ब्ला ब्ला ब्ला, आप जानते होंगे मैं खास करके किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही है, आप देख सकते हो कि अब मीडिया जो है वो टूथपेस्ट कंपनी की जैसे व्यवहार करने लगा है और सोशल मीडिया को अच्छा बताने लगा है। अब सोशल मीडिया पर नौकरियाँ मिल रही हैं, सोशल मीडिया से लोग पैसा भी कमा रहे हैं, अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट भी कर रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया पे बिजनेस कर रहा हूं, मेरा ये वीडियो भी एक तरीके के बिजनेस का ही एक रूप है, लेकिन मैं इसे जो है सोशल वर्क के रूप में कर रहा हूं, अपनी हॉबी के रूप में कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक खुद सोशल मीडिया फ्रीक हूं और अगर मुझे वो करके अच्छा लगता है और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन मीडिया ने अब सोशल मीडिया को कैप्चर कर लिया है और मीडिया जो है सोशल मीडिया को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया मेरे लिए है, आपके लिए है, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, ये मीडिया वालों के लिए नहीं है। अगर मीडिया वालों को न्यूज़ दिखानी है तो वो अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाएं, अपने न्यूज़पेपर पे दिखाएं।
सोशल मीडिया पे मुंह ना मारें, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुंह मारने से मीडिया के कारण सोशल मीडिया खराब हो रहा है और वो सोशल मीडिया को ब्लेम करते हैं और सोशल मीडिया पे कैप्चर करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, जिससे कि युवाओं का, हमारा और आपका जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वर्चस्व कम हो रहा है और कुछ समय तक बात खत्म भी हो जाएगा और मीडिया सोशल मीडिया को कैप्चर कर लेगा, हावी हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है ये करना चाहिए कि हमें मीडिया का सोशल मीडिया पे बहिष्कार करना चाहिए और मेरे और आपके जैसे लोगों को सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम और आप ही सोशल मीडिया हैं, मीडिया सोशल मीडिया नहीं है। मीडिया एक टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये मेरा कंपैरिजन और ये मेरा गुस्सा कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताते हुए जाइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करिएगा, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा। और ये भी मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कोई मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया वेबसाइट है, इसे भी आप फॉलो करिएगा। मैं इस पर अच्छे अच्छे आर्टिकल लेकर आता हूँ। और अगर आप नए हैं तो आप जो है बेल आइकॉन जरूर बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। आपके भाई को सपोर्ट करिएगा।